हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आप सभी को वेलकम। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो ब्लॉग ही नहीं कर पाया था। और अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। टीचर कब निकला है, लेबर ऑफिसर का निकला है, और ITI टीचर के लिए निकला है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकला है फ्रेंड्स। और हॉस्टल वार्डन का फॉर्म डालने वाला है 20 तारीख से, BSC के द्वारा लिया जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा आजकल वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या करें क्या नहीं। तो अभी मेरे पास बहुत ही कंपटीशन आ चुके हैं फ्रेंड्स। आज बजाज एलियंसों से पता है आपको कि उसमें भी मैं एग्ज़ाम देने वाला हूं, और ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और फॉर्म डाल चुके हैं। और अभी टीचर का फॉर्म डाला हूं, उसका भी एग्ज़ाम है 10 जून को, अब उसका भी तैयारी करना है। तो टाइम देना मुश्किल हो जा रहा है, और देखते हैं कैसे होता है। कोर्स कर रहे हैं तैयारी करने का। और आप सभी को मैं अभी मैं टेरेस में हूँ, और को देख सकते हैं CS हॉस्पिटल उधर है, आगे में CS हॉस्पिटल है, और देख सकते हैं चारों तरफ दिखा देता हूँ। और वहाँ पे चौक है मेरा, जहाँ पे कोटा, जो आगे में देख सकते हैं वो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसके राइट साइड में वो शुभम 8 है, उसके सामने में चौक है ये कोटा का। वहाँ से यहाँ सीधा आना होता है, और बस यहाँ पे 128 में अपना रूम है। और देख सकते हैं उधर कैसा लग रहा है, देख सकते हैं उधर से ऐसा रोड अभी नया बना है, बेहतरीन लगता है फ्रेंड्स। उधर से भी आ सकते हो, और देख सकते हैं वहाँ पे दिख रहा होगा वो है स्टेडियम, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम है, आप आ सकते हो, कोटा में ही है। और उधर सूरज डूबने वाली है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉगिंग तो ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग करूँगा यार ज़रूर। और वैसे अभी गाँव जाने वाला हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद मैं जाऊंगा घर। और दोस्तों का शादी सब भी है, वहाँ भी अटेंड करना है, क्योंकि स्पेशली इनवाइट मिला है तो जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स तो बताना मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं यार। शायद उतना अच्छा तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ बनाने का। और डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, दिक्कत हो रही है, क्योंकि यार लाइफ में अभी सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने का, और पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बताना, ब्लॉगिंग में तो शायद आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी बनाते रहता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, और बोलने का ढंग सब चीज़ चेंज करना है फ्रेंड्स। क्योंकि हम गांव से हैं, तो फिर अपने बोलने का और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ब्लॉगिंग के द्वारा इसको अच्छा करने का, क्योंकि अच्छा जगह में जा कर के या तो स्टेज में जा कर के बोलने का तो आता नहीं है। कोशिश करते हैं कभी आ जाए, कभी बाई चांस में स्टेज में जाने के लिए मौका मिले तो शायद बोल सकते हैं, यानी डाउट लगती है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो बताना मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर मेरे ब्लॉग्स में पहली बार आए हो और नए हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करो, जिससे मैं ऐसे ब्लॉगिंग लेकर के आऊँ और आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।